सबसे पहले मैं आपको कम्युनिटी एरिए का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये अच्छी जगह है इस वजह से, सबसे पहले ये वाह। तो यहाँ पे जो है ना, ये पब लाइव बनाया हुआ है, गोरे बैठ के पीते पिलाते हैं, ये आर्टिस्टिक चीज़ें हम भी यहाँ ड्रा कर सकते हैं। और वो सामने लॉन्ड्री है और ये बैठने का एरिया है। हेलो, हाउ आर यू? या दिस इज़ द एरिया जहाँ पे बैठ सकते हैं, पब्लिक एरिया है यहाँ पे। इस कम्युनिटी एरिया में ये एक मिनी शॉप भी है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं और कॉइन्स डाल के आप ये ख़रीद सकते हो किसी भी वक्त। और वो सामने जो है ये किचन है, कॉमन किचन। तो इस कम्युनिटी एरिया के ज़रा शॉट्स मुलाहिज़ा फरमाएं। Okay, now let's visit my room. चलिए अब आपको रूम का टूर देता हूँ। ये बिल्डिंग बेसिकली नई बनी है कंपनी की तरफ से, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। तो इनमें से एक कमरा जो है वो मेरे पास भी है। एंड वेलकम टू माई रूम। ये वैसे टैग से खुलती है, मोबाइल एप्लीकेशन से भी खुल जाती है, वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से होता है अपना स्टार्ट रूम। तो ये बेल है, ये बटन है और ये स्विच है। ये चुस्ती। यहाँ पे हमारे पास कपड़े लटकाने की जगह, वैसे यहाँ सिर्फ टावल ही रहता है मेरा, और साथ में ये अम्ब्रेला उतर ही गई है। तो ये बारिश होती है तो यहाँ से ही उठा के चला जाता हूँ। और अपने हुस्न को देखने के लिए ये शीशा, और साथ में ये जूतों की जगह है। यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, कमरे को साफ़ करने के लिए बड़ा बैग इधर ही है। यहाँ पे कुछ कपड़े लटके होते हैं। और यहाँ पे आता है अपना कपबोर्ड। वैसे ये सारी जो चीज़ें हैं, बेड, कपबोर्ड, और ये जो अपार्टमेंट था फुली फर्निश्ड ही था। स्टूडेंट्स के लिए होता है नॉर्मली, फुली फर्निश्ड ही होता है, और रेंट में भी सारा कुछ इंक्लूड होता है। ये नॉर्मल अपनी चीज़ें, ये शर्ट्स वगैरह, और ऊपर सर्दी का सामान। ये हमारे पास जो है कपड़े सुखाने का स्टैंड, और या ये भी कुछ ऐसे ही पड़ा है। और ये चेयर इन्हीं की तरफ से थी जो फर्निश था, लेकिन जो मेरी ये दूसरी चेयर पड़ी है, ये वाली, ये एक दोस्त से उठाई है, उसके पास फ्री पड़ी थी, थैंक यू हसन भाई। और साथ में ये इधर आती है बेड की जगह, यहाँ पे आपका भाई जो है रेस्ट करता है। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्टिकी नोट्स, ये मेरी नॉर्मली टू डू लिस्ट होती है, लेकिन कुछ इसमें वो आजकल मैंने असल में रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, तो उसके कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं जो मुझे दिमाग के आखिरी हिस्से में फ़िट करने होते हैं, वो मैं लिख के यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद आती है हमारी किचन। चूँकि स्टूडियो है तो सारी चीज़ें अंदर ही हैं, और यहाँ पे किचन एक स्टूडियो है एक बंदे के लिए, तो नाइस। और ये हमारी किचन है, ये अब चूल्हा है, चूल्हे पर जो है ना इलेक्ट्रिक चूल्हा है, और साथ में ये टाइमर है। आई लव दिस। ये टाइमर आप लगा सकते हो, इवन 15 मिनट का मैं अक्सर लगाता हूँ अंडे बॉयल करने के लिए। खैर इसको बंद करते हैं। और आज ये साफ़ है, वैसे ही इतना साफ़ होता नहीं है। और यहाँ पे सामान वगैरह रखने की जगह है, इधर हमारा वही आटा पड़ा है। और ये माइक्रोवेव लाइफ सेवर, जब भी मैं काम से आता हूँ पड़ के, तो 3 मिनट में गर्म हो जाता है खाना, वेरी नाइस। और यहाँ पर भी हमारे पास बर्तन पड़े हैं, और यहाँ पर मैं खाना बनाता हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पर आपका भाई बर्तन धोता है। यहाँ पे हमारे पास फ्रिज है, और ये दूध की लाइन, यहाँ पे बिरयानी बनाई थी, और ये सब्ज़ी वगैरह और दही, और ये मल्टी वाइटामिन, तो एक बंदे के लिए बहुत है। और साथ में फ्रीज़र भी है जहाँ पे समोसे या फिर मीट रखा हुआ है। और उसके बाद आती है हमारे पास ये पंखा अभी मैंने लिया था क्योंकि गर्मियाँ थी, तो 20 यूरो का आई गेस। और ये मेहमान है बस चंद दिन का, उसके बाद इसको भी कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। और ये उसके बाद ये किंग बनने वाला है बहुत जल्द, सर्दियां आने वाली हैं तो टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, तो ये जो है लाइफ सेवर होगा। उसके बाद हमारे पास आती है ये टेबल, जो जगह मुझे काफ़ी पसंद है, प्रोडक्टिव वर्क। और कैमरा मैन ने मेरे साथ स्वैग काम करने के लिए पेज रख दिए हैं ऊपर, तो ये मैकबुक। और ये मेरे पास डायरी, जिसे मैं लिखता तो नहीं हूँ आपको दिखाने के लिए, वैसे कभी कभी लिख भी लेता हूँ। और हमारे पास ये पुराना फ़ोन, जो कि आईफोन के आने के बाद लेफ्ट आउट फील कर रहा है,
और ये अपना गिम्बल, आई लव दिस। और ये इम्पोर्टेंट चीज़, ओके गूगल व्हाट्स माय नेम, योर नेम इज अमर, तो सही बता रही है। तो ये हेल्प करती है इधर कुकिंग वगैरह में, मसलन मैं इस पर टाइमर लगा देता हूँ कि 20 मिनट का टाइमर, तो 20 मिनट बाद याद करा देती है। आल्सो मुझे जगाती सुलाती भी यही है, तो यार इट्स ए नाइस थिंग। अब आपको बाहर का मंज़र दिखाता हूँ जो मेरी खिड़की से नज़र आता है। वैसे शाम हो रही है अभी तो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मंज़र है। सड़क पर कम लोग ही आते हैं तो एक सुकून रहता है। और जो मेरे साथ स्नैपचैट पर ऐड हैं वो तो अक्सर इस सड़क को देखते रहते हैं। और अगर आपने भी होना है तो ये यूज़र नेम आ रहा है। वैसे आजकल तो मेरी अम्मी भी स्नैपचैट पे आ गई हैं, तो आजकल कुछ इस तरह की स्नैप्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप इशा की नमाज से फारिग हो चुके होंगे। तो आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे यूरोप में रहते हुए तो बहुत ज़रूरी है। ये जो मास्क है ना, इसका आपको आज आपको अच्छा इस्तेमाल बताता हूँ। तो इसको आपने रखना है यहाँ, जब भी घर से बाहर जाना है FFP2 मास्क यूज़ नहीं करना, मास्क ये यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको रास्ता भी नज़र आता रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट है, और साथ में जो है ना आप नामहरम के शर से भी महफूज रहेंगे। दिस इज वेरी नाइस, फी अमानिल्ला। आहा बहुत चंगा ना। मैं लास्ट में आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास वॉशरूम, और ये देखें आपका भाई कितना प्यारा लग रहा है, क्या ख्याल है? नहीं एक मिनट, ये आप बताएं। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इधर हमारे पास शावर लेने की जगह है, ये खोलो, अंदर जाओ और शावर लेके आओ। तो इससे ये होता है कि पानी बाहर नहीं आता। तो ये था मेरा अपार्टमेंट का विजिट, स्टूडियो अपार्टमेंट इसे कहते हैं, सेंस किचन भी इसमें होता है और वॉशरूम भी, और एक बंदे के लिए तो सोलो स्टूडियो अपार्टमेंट। और इसका रेंट जो है टोटल वो 400 है, जिसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी गैस हर चीज़, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं देना। और आल्सो छोटा है लेकिन स्टिल रीजनेबल प्राइस है। और फिर बर्लिन में स्पेशली जहाँ पर मशहूर है कि जहाँ पर आप अपार्टमेंट को चूज़ नहीं करते बल्कि अपार्टमेंट आपको चूज़ करता है, सो इट्स ऑल ग्रेट। So yeah, that was it. Please like this video and subscribe the channel. Milte hain fir next video mein. Bye. Hi, iske liye safai karni padi.